सब्सक्राइब करें नईम एकेडमी चैनल को और पाएं लेटेस्ट वीडियो, और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आप तक पहुंच जाए। हाय एवरीवन, मैं आपका इंस्ट्रक्टर नईम। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन देखेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास इस असाइनमेंट्स के अंदर 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस असाइनमेंट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताया हुआ है कि इन CPU ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म इन बाइनरी नंबर। के CPU के अंदर जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम जो प्लस माइनस एडिशन ये जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये 0-1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सपोज यू हैव अ स्मॉल CPU विच इज डिजाइन टू परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजिंग एडिशन ओनली। कह रहे हैं कि सपोज करें एक सिंपल सा CPU किसी बंदे ने डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब उस CPU के अंदर जस्ट उसने क्या किया हुआ है, अरिथमेटिक काम किया हुआ है। मतलब वहां पे जो भी काम होते हैं वो अरिथमेटिक होते हैं, मतलब उसमें सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये चीजें सारी नहीं होती। अगर होती भी हैं तो वो एडिशन ओनली, मतलब एडिशन एक मेथड से होती है, ठीक है, एडिशनल एडिशन करके मेथड से होती है। सो यू विल एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल बी सॉल्व आउट बाय द CPU। कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, ये CPU कैसे सॉल्व करेगा एडिशन करके। जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6 and 2, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, लेकिन आपने एडिशनल एडिशन मेथड से करना है। डायरेक्ट ऐसा नहीं करना कि 6 × 2 = 12, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो इस तरह से एडिशन करनी है, ये सिंपल है क्योंकि ये है ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। सो इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पे मैंने रेडी कर रखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बता देता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे देखें इसके अंदर ये जो हमारे पास आ रहा है सॉल्यूशन नंबर 1 आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 and 2। मतलब मल्टीप्लिकेशन इसका क्या होता है, 12 होता है। देखिए जैसे मैंने लिखा है ना 6 × 2 = 12, बट हम लोगों ने ऐसा नहीं करना, हम लोगों ने एडिशन मेथड से करना है। एडिशन मेथड से मुराद ये कि हम लोगों ने प्लस करके करना है। अगर मैं इस 6 को 2 दफ़ा लिखूँ तो ये मतलब 6 अपनी जगह पे लिखूं और ये 2 लिखा हुआ है ना, मतलब मैं इसको 2 दफा लिखूं तो 12 आता है, ठीक है। मतलब 6 + 6 = 12 आता है, ठीक है। अब इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 6 का बाइनरी में क्या होता है, देखें जब हम लिखते हैं 6, ठीक है। सो हमारे पास देखें 2 के साथ करना होगा, 2 3 जार करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। फिर 2 को करेंगे, 2 2 जार 4 होता है, ये कम है तो 2 1 जार 2 ही कर देंगे, ठीक है। और 3 है ना तो 1 बच के, ये कितना आया, 1 1 0 आया, तो 1 1 0 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इस 6 का भी यही है, ठीक है, 1 1 0 लिख लिया। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, जमा करना है। जमा कैसे करते हैं, मतलब एडिशन करनी है। सो किस तरह, 1 1 0 आया और उसके बाद 1 1 0 आया। अब बाइनरी में जमा कैसे करते हैं, 0 से 0 किया तो 0 आया, ठीक है, 1 से 1 जमा किया तो ये 10 आता है, ठीक है, बाइनरी में। मतलब जैसे 1 से 1 किया तो 2 आता है, 2 लिखते नहीं है तो 10 लिखते होते हैं, ठीक है। 0 यहाँ पे आया तो 1 ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखें 1 1 10 आया तो इसका 1 ऐड करें तो 11 आया, ठीक है, मतलब ये हमारे पास आया। अब ये हमारे पास क्या है, ये इसका आंसर है। यहाँ पे देखें ये और ये 12 होता है, ठीक है। असल में ये जो है ना ये 12 है हमारे पास बाइनरी में, क्योंकि 6 को 6 के साथ जमा करें तो 12 आता है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें एडिशन ऑफ 7 and 3। अब इन दोनों का एडिशन करना है। सो ये वाला सिंपल है, ठीक है, कैसे, 7 का जो बाइनरी होता है वो ये होता है। अब ऐसे ही निकालना है, 7 लिखे हैं ना, 2 के साथ करें तो ये आपके पास आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 3 है, 3 का ये होता है, ठीक है। जब इनको जमा करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है, 10 आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 और 3 10 होते हैं और इक्वल टू मैंने 10 भी यहाँ पे लिखा है, सही है। उसके बाद ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमने किया हुआ है ये हो गया, ठीक है, ये एडिशन डायरेक्ट था तो हमने एडिशन कर दिया, ये मल्टीप्लिकेशन था हमने एडिशन मेथड से कर दिया, ठीक है इसको। अब हमारे पास नीचे जो हमारे पास ये वाला आ रहा है ये सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, मतलब माइनस करना है 5 में से 4 को। अब ये जो 5 में से माइनस मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एडिशन अलाउड है CPU के अंदर। सो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे यहाँ पे जो 5 है इसमें से 4 निकालना है, हम ऐसा करेंगे ये जो 4 है ना इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे लेते हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो 4 है ना इसका बाइनरी में क्या आता है, बाइनरी में 4 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, सही है। सो हमारे पास 3 डिजिट ये हमारे पास ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बाइनरी में। हम ऐसा करेंगे ना, देखें अब हम लोगों ने इसका जो है ना 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम लोग पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मतलब इस नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और मैं आपको ये बता दूं इसके पीछे आप लोगों ने एक 0 लगाना है, वो इस वजह से लगाना है ताकि 4 डिजिट पूरे करने, ठीक है, 4 डिजिट आपने
पूरे करने होंगे। अब देखें मेरे पास ये जो आ रहा है ना, ये वाला, ये मेरे पास बाइनरी के, ये जो हमारे पास चार है ना, चार का बाइनरी की है। आप लोगों ने ऐसा करना है, इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए इस नंबर को आपने उलट करके लिखना होगा, मतलब जीरो है तो वन लिखना होगा, वन है तो जीरो लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जीरो है तो वन लिखना होगा, जीरो है तो वन लिख लोगा। जब ये लिखेंगे, अब ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आया, ठीक है, इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट आया। अब हम लोगों ने इसका जब टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, क्योंकि इसको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है हमने, हम ऐसा करेंगे यहाँ पे वन इसके साथ ऐड करेंगे। जब आप वन ऐड करेंगे ना, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेगा। अब ये कैसे होगा देखें, यहाँ पे आप लोगों ने डाल देना जीरो, क्योंकि वन वन टू होते तो टू मतलब टेन होता है, ठीक है। ये लिख लिया, एक कैरी ऊपर चला गया, इसका भी यही आएगा, और यहाँ पे ये हमने लिख लिया, और यहाँ पे वन, और यहाँ पे वन, मतलब ये जो वन वन जीरो जीरो आ रहा है ना, ये हमारे पास चार के लिए, ठीक है, ये चार के लिए हमने लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पांच है ना, पांच का मैंने बाइनरी लिख लिया, सही है। उसके बाद ये जो चार है ना, उसका ये वाला जो निकल आया है, देखें यहाँ पे ये आ रहा है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को सिंपल से जमा करना है। जब आप इसको जमा करेंगे ना, मतलब ये हमारे पास कितना है, जीरो वन जीरो वन, ये जो पांच है, ठीक है। उसके बाद चार क्या है, वन वन जीरो जीरो है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको जमा करना है। अब जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे वन लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे, सही है। उसके बाद वन वन कितना होता है, मतलब टेन आ गया, जीरो लिखा तो वन ऊपर चला गया, वन वन कितना होता है, टेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये आए वन जीरो 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 वन, मतलब तीन जीरो, ये मतलब ये कितने, पांच डिजिट हैं, और हमारे पास चार डिजिट आने चाहिए, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो चार डिजिट में आना चाहिए। सो यहाँ पे देखें निगलेक्टिंग फर्स्ट वन, मतलब जो हमारे पास आंसर के आंसर जब आता है ना, उसका जो पहला वाला होता है उसको निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट का मतलब उसको हटा देते हैं, बिकॉज ऑफ ओवरफ्लो, क्योंकि ये चार चार है ना, तो आंसर भी इन्हीं चार डिजिट में आना चाहिए। तो इसको हटा देंगे तो जीरो 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 वन आ जाएगा हमारे पास, मतलब यहाँ पे आप लिख लेंगे ये देखें निगलेक्टिंग जो फर्स्ट हमने निगलेक्ट किया, तो आंसर हमारे पास क्या है, जीरो 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 वन। सिंपल देखें, पांच में से चारों को माइनस करेंगे तो आपके पास वन ही आएगा, और बाइनरी में ये वन होता है। सो इस तरह से ये वाला हमारा जो है ना कंप्लीट इसका साल हो जाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हम लोग ऐसा करेंगे, अब जाएंगे नीचे सेकेंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आप लोगों ने ऐसा करना है, यू हैव एन इमेज, आपके पास एक इमेज है 8 बिट की, और वो इमेज ये बाइनरी में, मतलब आप जब भी पिक्चर सेंड करते हैं तो वो बाइनरी फॉर्म में सेंड होती है। अब ये हमारे पास उस पिक्चर का बाइनरी है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड दिस इमेज, आप लोगों ने इस इमेज को सेंड करना है, ठीक है, मतलब किसी बंदे को सेंड करना है। बट कहते हैं नॉट इन ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं सेंड करनी, मतलब इसी बिट में इसको सेंड नहीं करना, आपने इस बिट को जो है ना, इस बिट की मास्किंग करनी होगी। हमें यहाँ पे बताया कि यू विल परफॉर्म टू ऑपरेशन ऑन इमेज, एक मास्किंग करनी है और एक इन्वर्जन करनी है। अब मास्किंग क्या होती है, देखें कहते हैं यू विल अप्लाई 8 बिट, ये जो नंबर दिया हुआ है ना, कहते हैं कि भाई इस नंबर को और ये जो इमेज है इसको आपने एंड लॉजिक ऑपरेटर जो होता है वो लेना है, एंड ऑपरेटर लेना है, ठीक है। अब ये कैसे लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास ये नंबर है और हमारे पास ये नंबर है और हमारे पास ये है, ठीक है। देखें अब मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ, ठीक है, टेबल के अंदर। अब मैं आता हूँ ना यहाँ पे, देखें मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, ये वाला जो है ये मैंने ऊपर वाली इमेज का वो ले लिया और ये वाला एंड का ले लिया जो हमें यहाँ पे बताए हुए, ठीक है, ऊपर बताए हुए। मैं अगर इसको जरा ऊपर करूं तो ये वाला जो हमें बताया हुआ ये हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, देखें अब मैंने बेसिकली इसका निकालना है एंड। एंड कैसे निकालते हैं, देखें सिंपल है, एंड ऐसे निकालते हैं कि ये जो वन है और ये वन है, इसका एंड लेना है। याद रखना है एंड वो होता है जब दोनों ट्रू होते हैं, मतलब दोनों वन वन होंगे तो आपका वन आएगा, जीरो वन होगा तो जीरो आएगा, वन जीरो होगा तो जीरो आएगा, और जीरो जीरो होगा तो जीरो ही है। चार चीजें होती हैं, मतलब मेरा बताने का मतलब ये चीजें होती हैं हमारे पास, ठीक है, ये होती हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो है ना वो जीरो आएगा एंड ऑपरेटर में, और इसका वन वन है तो वन आएगा क्योंकि ये दोनों ट्रू हैं। उसके बाद जीरो वन है तो ये भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा। देखें सिंपल, अब आप इसको देख के आप सॉल्व कर सकते हैं, वन वन तो वन आया, वन 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 आया, जीरो 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 आया, जीरो वन जीरो आया, क्योंकि इसमें से एक फॉल्स है, मतलब ये तो ट्रू है वन लेकिन ये जीरो है, ठीक है। इस तरह से ये कर ले, बहुत ही सिंपल है ये, देखें इसको रूल को देख के ये वन आपका सॉल्व हो जाता है। उसके बाद सेकंड हमें क्या बताया कि इन्वर्जन लेनी है आपने। इन्वर्जन का मतलब यहाँ पे बताया कि यू विल इन्वर्ट द मास्किंग इमेज यूजिंग एक्स ऑर ऑपरेटर इस्तेमाल करना है। एक होता है एंड, एक होता है आर, एक होता है नॉट, एक होता है एक्स आर। जो हमारे पास आर होता है ना आर, उसको बेसिकली देखें आर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखें वन जीरो, एक भी ट्रू हो तो वन होता है आर में, ये चीज होती है, इसको हटा दें। देखें वन जीरो वन,
वन 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 ही आएगा, जीरो वन वन ही आएगा, और जीरो जीरो ऑब्वियसली जीरो आएगा। आर में ये होता है ना कि एक भी ट्रू हो तो आंसर ठीक आता है, ठीक है। एक्स आर में क्या होता है, एक्स आर में ये होता है ना कि वन जीरो एक भी ट्रू हो तो वन आना चाहिए, बट देखें जीरो जीरो में जीरो आ रहे हैं, लेकिन जब दोनों वन होंगे तो भी जीरो आएगा। यहाँ पे सिर्फ ये चेंज है, देखें जीरो वन है ना, वन आएगा, वन जीरो तो वन ही आएगा, जीरो जीरो ऑब्वियसली जीरो, लेकिन जब यहाँ पे वन वन आएगा तो भी ये जीरो आएगा, ठीक है। बस इतना डिफरेंट डिफरेंस होता है। सो ये हमारे पास जो आ रहा है ना, इसको देख के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये कैसे किया हुआ है, ये वाला जो हमारे पास लिखा हुआ है ऊपर ना, ये वाला, ये हमारे पास पिक्चर है जो हमें मास्क की हुई पिक्चर बताई हुई है इन्होंने, ठीक है। ये हमें हमारे पास ये वाली पिक्चर है, ये वाली, ठीक है। ये पिक्चर लिख ली, लिख ली। उसके बाद आपको ये कह रहा है कि भाई सॉरी, ये वाला जो हमारे पास आ रहा है ना, ये वाला, ये जीरो जीरो वन जीरो जीरो, ये हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे चला गया, ये सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये वाला जो रिजल्ट है ना मास्किंग का, ये देखें मास्क इमेज जो आपने कर दिया है वो यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद आप लोगों ने ऐसा करना है, इसका आंसर जो आएगा वो ऊपर वाला मास्क जो है, मतलब ये जो पिक्चर है ये ओरिजिनल यही फॉर्म में आनी चाहिए, मतलब यही बिट आना चाहिए वापस से, ठीक है। हम ऐसा करें, जो हमने मास्क करके निकाला हुआ है ना ये वाला, इसको लिख लिया और नीचे आंसर हमने यहाँ पे लिख लिया, इस तरह इसको छोड़ दिया फिलहाल, ठीक है। जब ये आंसर लिखेंगे, कहते हैं भाई आपने ऐसा एक्सोर लॉजिक लगाना है यहाँ पे कि ये ही वापस आ जाए, ये वाला जो मतलब इमेज वाला जो है ना, ये वाली इमेज, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यही वापस, सॉरी ये वापस आ जाए, और ये वाला जो है ये मास्क करके आपने निकाला हुआ है, यहाँ से ये वाला निकल आया है, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे डिजिट 01 लिखेंगे ताकि ये हमारे पास आ जाए, और एक्सआर करना है ना, एक्सआर में मैंने अभी आपको बता दिया, मतलब ये वन है ना, ये पूरे देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वन है ना, तो यहाँ पे ये जो वन रिजल्ट आया है ना, ये वन ऐसा आना चाहिए कि यहाँ पे आप कुछ ऐसा लिखें ताकि ये वन आ जाए। एक्सआर में मैंने पहले बताया कि वन जीरो जब होता है तो वन आता है, यहाँ पे हमारा जीरो लिखना पड़ेगा हमें। देखिए अगर मैं यहाँ पे वन लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगी, ये गलत हो जाएगा, मतलब ये वाली पिक्चर का ओरिजिनल साइज ऊपर, ये ओरिजिनल बिट है, तो ये वापस लेके आनी है हमने। सो यहाँ पे मैं जीरो लिख लूंगा ताकि देखें वन जीरो एग्जार में क्या होता है, वन होता है, तो ये ठीक आ जाएगा। उसके बाद वन जीरो ठीक आ जाएगा, जीरो 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 आ जाएगा, जीरो 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 आ जाएगा, और यहाँ पे देखें जीरो वन वन आ जाएगा, ठीक है, और वन जीरो वन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जीरो 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 जीरो, इस तरह से कर देना है। मतलब ये आंसर जो हमारे पास दिया हुआ है ना इमेज का ऊपर, ओरिजिनल मास्क जो दिया हुआ है वही सेम लेके आना है, और ये वाला जो है ये वाला यहाँ पे लिख लेना है, और यहाँ पे आपने ऐसे डिजिट लिखने ताकि ये आ जाए, और यूजिंग एक्सआर, एक्सआर मैंने पहले बता दिया आपको, एक्सआर का मैंने मेथड आपको अभी बता दिया, तो इस तरह से ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। सो ये हमारे पास असाइनमेंट्स का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट्स में। ओके, थैंक्स, बाय।